इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि किसी ने पूछा है कि उन्होंने एक शख्स से मोबाइल लिया था और उनके मोबाइल लेकर उन्होंने गूगल पर वो कुछ सर्च कर रहे थे मोबाइल वगैरह के ताल्लुक से। तो जब उन्होंने सर्च किया और सर्च के बॉक्स में जाके जब उन्होंने पहला लेटर मोबाइल का डाला जो एम आई का, तो जब उन्होंने एम डाला तो फहश वीडियो के सजेशन आया और मतलब यू आया कि वो पहले भी सर्च किया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि यार ये इस तरह का है, और जो जिनका मोबाइल था वो एक हाफिज़ कुरान थे और पहले मौज़िन थे और अभी इमामत भी कर रहे पार्ट टाइम, क्योंकि इमाम साहब जो है वो गांव गए हुए हैं इस वजह से। तो जब उन्होंने देखा सर्च में, तो जब उन्होंने सर्च किया तो लास्ट उनका जो था उन्होंने देखा कि लास्ट एक दिन पहले उन्होंने ये सर्च भी किया था फहश वीडियो वगैरह ये सब। तो अब उनका सवाल ये है कि क्या जब ऐसा शख्स है हाफिज़ कुरान है और इमामत भी कर रहा है, तो क्या अब इस शख्स के पीछे नमाज हो जाएगी, और इसकी इस्लाह कैसे करें, और उसको कहीं और इस्लाह कैसे करेंगे, और इसका इसके पीछे नमाज हो जाएगी। तो अब बराए करम इसका जवाब इनायत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ मोहतरम, होता तो ऐसा ही है गूगल फर्म के ऊपर कि अगर आप कुछ लास्ट टाइम सर्च कर चुके हो और आपने कोई ईमेल आईडी उसमें डाली हुई थी तो आपकी ईमेल आईडी के रिकॉर्ड में वो ऐसा ही होता है कि अगर कोई वर्ड टाइप करें तो आपको सजेशन में सबसे पहले सर्चिंग में इंडेक्स वही आती है जो आपने लास्ट टाइम सर्च की होगी। स्टार्टिंग के दो सजेशन ऐसे ही होते हैं। इसी तरह यूट्यूब के अंदर शायद 5 या 10 सजेशन तक ऐसे ही होते हैं जो आपने लास्ट टाइम सर्च करा था। अब ये कि इमाम साहब को इतनी नॉलेज टेक्नोलॉजी की नहीं रही होगी तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि हिस्ट्री भी डिलीट करनी होती है किसी को मोबाइल देने से पहले, और एक्टिविटीज़ भी डिलीट करनी होती है ताकि लास्ट सर्च रिज़ल्ट वगैरह वो ना आए। बहरहाल काम अफसोसनाक है कि ख़ुद अपने हाथों से उन्होंने यानी अपने ऐब को ज़ाहिर लोगों में या एक फ़र्द में कर दिया। बहरहाल ये कि उनकी इस्लाह नमाज जो उनके पीछे पड़ी गई हैं, जैसा कि आपने बताया कि इमाम साहब नहीं होते और कभी वो मौज़िन साहब भी नमाज़ पढ़ाते हैं तो नमाज तो हो जाएगी ऐसी सूरत में, मगर ये कि उनकी इस्लाह जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। अब जिसको इसके बारे में ख़बर है, इस्लाह का तरीका ये है कि बग़ैर अपना यानी इस्लाह करने वाला बग़ैर अपना नाम लिए एक पेपर के ऊपर ये सारा मामला लिख दे शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं कि मतलब बग़ैर अपना नाम लिखे इस तरह एक लेटर लिख के उनके कमरे में उन तक किसी तरह पहुंचा दे कि ख़ुद सामने ना आए और अपना नाम ना लिखे, बस इशारे में इस तरह लिख दे कि आपके मोबाइल, अगर आप उनको आपको ये लगता है कि मोबाइल आपने लिया था उनको डाउट होगा कि आपने ऐसा करा तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उन्हें इशारे से बता दें कि आपके मोबाइल हिस्ट्री देखने से मालूम चला कि आपने वो चीज़ें देखी हैं जो अल्लाह रसूल को नापसंदीदा है, बराए करम आप इससे तौबा करें क्योंकि आप इमामत करते हैं, आप इस चीज़ के ज़्यादा हकदार हैं कि आप इन चीज़ों से दूर रहें बनिस्बत आवाम के। तो आपकी इस्लाह करना मकसूद था, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं है आपसे सामने आकर इस किस्म की बात करने की या बताने की, इसलिए मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस बारे में गौर करेंगे, आखिरत के बारे में गौर करेंगे, उसके अंदर आप हो सके तो कुछ कुरान हदीस के मफहूम वगैरह जो गुनाह के ताल्लुक से अजाब हैं उनको थोड़ा सा नकल कर दें, यानी एक अच्छा सा ख़त उनको लिख दें जिसमें उनकी इस्लाह भी हो जाए और वो इससे आगाह हो जाएँ। और अगर इस तरह काम बन जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर उनसे बराए रास्ते मिलकर रब्ता करके करें, मतलब बात कर लें कि इस तरीके की बात है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और तौबा वगैरह वो कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। पत्थर